हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारा 11th का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहे। आज 11th का फर्स्ट सेशन है तो हम 11th का जो स्टार्टेड है वो पार्ट 2 से करेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। नंबर्स तो हमें पता है, अब तक हम रियल नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो रियल में हैं, जैसे कि 1, 0, -3, 4.5, √2। ये सारे नंबर हम देखते आ रहे हैं, ये सारे नंबर पढ़ते आ रहे हैं, इन्हें सबको हमें कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, मगर अब तक हमें ऐसा लगता था कि रियल नंबर्स ही सबसे बड़ा सेट है, मगर ऐसा नहीं। रियल नंबर से भी बढ़कर आगे कुछ है। अब तक हमें ऐसा पता था कि सिर्फ रियल नंबर ही है, मगर रियल नंबर से आगे भी कुछ है। ओके, तो देखते हैं वो रियल नंबर क्या है, क्या है। तो सबसे पहले रियल नंबर जो होता है वो समझ लेते हैं। रियल नंबर हमने आपने देखा है, रियल नंबर के जो दो टाइप्स होते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल में हमने देखा है, रैशनल के बाद आते हैं, मतलब उसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स मीन्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर्स। होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, और इंटीजर्स विच इंक्लूड 0, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमें पता होता है इवन, विच इज डिविजिबल बाय 2, उसके बाद ऑड, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, उसके बाद होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। जिन्हें सिर्फ 1 या खुद से ही डिवाइड होता है वो से कहते हैं प्राइम नंबर्स, और होता है कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट मीन्स ये प्राइम का हम एक तरह से कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। जो नंबर प्राइम नहीं होते ना उन्हें हम कॉम्पोजिट कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये सारे नंबर से जो बेसिक नंबर से हम तो पढ़ते आ रहे हैं। रियल नंबर्स मतलब रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल को कलेक्टिवली कहा जाता है रियल नंबर। ये सारे नंबर रियल में हैं, मगर रियल से ऊपर भी कुछ है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है, उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखते ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। रियल में जो चीजें होती है, अगर उस उन बातों में अगर हम इमेजिनेशन को डाल दें, मतलब रियल बातें और इमेजिनरी बातें हम अगर मिक्स कर दें तो वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है।
ओके। हम जो रियल में सोचते हैं, मतलब रियल में जो होता है और इमेजिनरी में जो होता है, वो अगर बातें और दोनों मिक्स हो जाए तो वो चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाती है। बस यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर हम मिक्स कर दें उसे कलेक्टिवली कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल डेफिनेशन है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, अब रियल तो हमने समझ लिया, जो 10th तक हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस ये जो सॉल्व करते थे उसमें सारे आंसर्स रियल नंबर्स में थे। ओके, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए उसके रियल रूट्स निकलते थे, मगर वो जो हमारी जो पढ़ाई थी वो लिमिटेड थी, मतलब रियल नंबर के आगे हमको सोचते ही नहीं थे। ओके, मगर हमें अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में सोचना है, मतलब रियल नंबर से भी आगे सोचना है। तो कैसे सोचे, अब एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, मतलब ऐसे, देयरफॉर x स्क्वायर अभी प्लस 1 है, इसे इधर से शिफ्ट कीजिए वो माइनस हो जाएगा, x square is equal to minus 1, मतलब x जो भी होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 होगा। रियल नंबर में अब तक हमने तो ऐसा कोई नंबर पढ़ा ही नहीं है जिसका स्क्वायर माइनस 1 होगा या जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। ओके, यही लिमिटेशन होती है रियल नंबर्स में। ओके, मतलब रियल नंबर में हमने अब तक ऐसा नहीं पढ़ा है कि किसी नंबर का स्क्वायर माइनस वन है या किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव है, क्योंकि हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव है, या फिर वो नंबर पॉजिटिव हो या नंबर नेगेटिव हो, ठीक है, उसका स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है, अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन तो निकलेगा, मगर इस इक्वेशन का सोल्यूशन रियल नंबर में नहीं आएगा। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर के सेट में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, क्योंकि रियल में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अब हमें निकालने के लिए कोई बड़ा सेट चाहिए रियल नंबर से भी बढ़कर। इस तरह के इक्वेशन तो होते हैं, ठीक है, जहां रियल नंबर को लिमिटेशन लग जाती है, उस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें रियल के साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। अब हमें रियल तो पता है, ठीक है, जो हमें नंबर अब तक पता है वो सारे रियल नंबर से, तो इसमें हम देखेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ओके, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ओके, देखते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। अब यहां का स्क्वायर रूट निकालेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दोनों साइड का हम स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट निकालेंगे, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा x, और ये जो नंबर है माइनस 1, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट हम ऐसे निकालेंगे, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अभी हम रियल में सोच ही रहे, हम इमेजिनरी सोच रहे, रियल में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कंफर्म है। ओके, अभी हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ हमारे इमेजिनेशन है, रियल से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। ओके, इमेजिनरी है सब कुछ। अब इमेजिनरी है, इसमें एक नंबर आया है रूट माइनस 1,
वन जो एक नंबर है ठीक है उससे हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट, इमेजिनरी यूनिट। माइनस वन, रूट माइनस वन इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, यूनिट मीन वन ठीक है। और ये रूट है माइनस वन, इसे इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। और इसे इसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है जो ग्रीक सिंबल हम कहते हैं आइटा, बिल्कुल आई की तरह होता है हमारा जो इंग्लिश अल्फाबेट आई उसकी तरह होता है आइटा। ओके इमेजिनरी यूनिट और इमेजिनरी एलिमेंट। ओके तो इसका जो आंसर है वो ऐसा आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस, अब रूट माइनस वन जो होता है वो होता है आई, आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन। तो इसका सोल्यूशन आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई। ओके आई इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट इज डिनोटेड बाय। ओके अब आगे देखते हैं, ये तो समझ गया रूट माइनस वन ये जो है इमेजिनरी यूनिट है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। एक्चुअली आई नहीं है वो एक ग्रीक लेटर है आइटा, अगर हम उसे आई ही बुलाएंगे। ओके ठीक है तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है, इस तरह का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इस तरह के जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन इस तरह से नहीं हो रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई। ओके अब देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा सा इंट्रो था। तो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सारी चीजें देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला पॉइंट आता है इमेजिनरी नंबर, रियल तो हमें पता है मगर उसमें पहला पॉइंट आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब दुनिया में अगर जनरली देखा जाए तो जनरली दो ही तरह की चीजें होती है, या तो वो रियल में होगी या तो वो इमेजिनरी होगी। ओके अगर वो रियल में है तो वो रियल में ही है, मतलब तो उसका इमेजिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो चीजें रियल में नहीं है वो सारी चीजें इमेजिनेशन में होती है, मतलब वो रियल में नहीं होती। ओके तो यही इमेजिनरी नंबर हमें देखना है। अगर इमेजिनरी है तो उसका कोई जनरल फॉर्म होगा, जैसे हम रियल नंबर को जनरली लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी, जिस तरह से वो पहचाना जाए कि वो है इमेजिनरी नंबर है ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन ऐसी है, द नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई वेयर बी इज एनी रियल नंबर means B belongs to R and I अभी हमें नोट कर लेना चाहिए कि I always क्या होता है square root of minus one imaginary unit, imaginary unit मतलब I, तो I की always value रहेगी square root of minus one। और यहाँ जो है सबसे important कि B is not equal to zero, B ये zero नहीं होगा। इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ओके अब देखिए इसमें क्या लिखा है, द नंबर ऑफ द फॉर्म बी आर वेयर बी इज एनी रियल नंबर, I means square root of minus 1 and B is non-zero number is called imaginary number।
अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात ऐसी है, बी तो रियल नंबर है, वो से इमेजिनरी नंबर क्यों कहा गया? जो हम लिख रहे हैं बी आई, इस फॉर्म के नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, मगर इसमें बी तो रियल है, इसे इमेजिनरी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके आगे जो आई लगा है ना, वो आई फॉर इमेजिनरी, मतलब कोई भी रियल नंबर ले लीजिए उसे हम इमेजिनरी बना सकते हैं, सिर्फ उसके आगे क्या रखना है आई। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिख लिया माइनस टू, अब माइनस टू एक्चुअली ये नंबर तो रियल है, ओके ये रियल नंबर है, मतलब रियल में आप तक हमने देखा है, लेकिन उसके आगे अगर मैं आई लगा दूं तो ये हो जाएगा कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर। तो मैं जो सवाल पूछा था ना कि इमेजिनरी नंबर हो तो ऐसा क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो उसकी आइडेंटिटी होती है आई। किसी भी नंबर के आगे अगर हम आई लगा दें तो वह नंबर हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ओके, तो ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इमेजिनरी नंबर। ठीक, जिस तरह से हम लोगों की आइडेंटिटी होती है कोई आईडी प्रूफ, ठीक, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड, वैसे ही इमेजिनरी नंबर का ही आधार कार्ड है आई, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, मतलब उसकी आइडेंटिटी है इमेजिनरी नंबर की। ओके, अभी अब तक हमने पढ़ा था, मतलब जो भी हमारे टीचर्स थे उन्होंने हमको ये पढ़ाया कि हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते, और ये एक्चुअली मेंशन हुआ भी है 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नेचर ऑफ रूट्स इस टॉपिक में, नेचर ऑफ रूट्स इस टॉपिक में ये बात मेंशन हुई है, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ठीक है, मतलब ले लीजिए सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, मतलब जो वैल्यूज होते हैं, आंसर्स होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस होते हैं, उनका क्या नेचर होता है, और जो नेचर होता है वो इस वैल्यू पे डिपेंड होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है वो तीन तरह की वैल्यू हो सकती है, तीन तरह की, मतलब या तो पॉजिटिव होगी, या तो इक्वल टू जीरो होगी, या निगेटिव होगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसके जो रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, वो होते हैं रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल, और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है लेस देन जीरो तो ये होता है सीधा आप कह दीजिए से नॉट रियल। अरे भाई नॉट रियल, रियल नहीं है, रियल नहीं है मतलब क्या है, इमेजिनरी, क्योंकि उस वक्त हमारी जो गलती थी उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही बात कर रहे थे, हमारे सोच बिल्कुल लिमिटेड थे, हमारे रियल नंबर के बारे में सोचते थे। ओके, इसमें हमारे कोई मिस्टेक नहीं है, किसी की कोई मिस्टेक नहीं है। नॉट रियल, अब रियल नहीं है अगर बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन तो निकलना ही है, बस डिफरेंस इतना है कि वो रियल नहीं होगा। ओके, अब ये रियल क्यों नहीं होगा, इसका एक रीजन है, जो हम फॉर्मूले मेथड देखते हैं उसमें ये फॉर्मूले मेथड ये होती है, इस पर से आप समझ जाओगे कि बी स्क्वायर माइनस फोर सी की वैल्यू अगर निगेटिव हुई तो उसका रूट रियल क्यों नहीं है, तो इस वजह से,
स्क्वायर माइनस फोर ए सी की टर्म जो होती है वो किसके अंदर होती है, स्क्वायर रूट में होती है, और निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमें तो निकाला ही नहीं है, ठीक है ओके। अब मैं आपको ये निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, जो बात हमने अब तक नहीं सीखी वो आप हमें सीखनी है ओके। सपोज एक नंबर लिया माइनस रूट 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है, 36 का स्क्वायर रूट हम फट से बता सकते हैं 6 ओके, या प्लस और माइनस 6 हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, मगर माइनस रूट 36 इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला है तो देखिए, अब इसे में थोड़ा इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, माइनस 36 है रूट के अंदर ही जो करना है रूट के अंदर ही करना, माइनस रूट 36 है, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 36 इंटू माइनस 1 बिकॉज ऑफ माइनस साइन, 36 इंटू माइनस 1 ओके। अब हम इनका रूट सेपरेट कर देंगे, ये रूट है हमारे पास रूट ए इंटू बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, बहुत भारी भारी चीज है, ठीक है, एनआईटी में पढ़ा है ओके। अब दोनों का रूट हम सेपरेट कर देंगे, मतलब रूट 36 एंड रूट माइनस 1 ओके। इस रूल के हिसाब से अब मैं कुछ मेरा अंतर नहीं कर रहा हूँ, ये रूल के हिसाब से चलो ओके। इक्वल टू अब निकालिए इनका रूट, रूट 36 बहुत कॉन्फिडेंटली हमने लिखा था 6 इंटू रूट माइनस 1, ये लीजिए आगे आ गया रूट माइनस 1 मतलब आई, मतलब 6 इंटू आई 6 आई निकल गया, माइनस रूट 36 का आंसर निकल गया ओके, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 क्या है 6 आई। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं है, बरोबर सही बात है, वो रियल नहीं है, वो क्या है इमेजिनरी है, बोलने वाले ने सही बोला नॉट रियल, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी ओके, तो ये होता है इमेजिनरी नंबर। इस तरह आप किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है आगे देखते हैं। नंबर आई सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आई जो होता है हमारा इमेजिनरी यूनिट, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टी हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आई इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट होता है आई इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, मैं पहले लिख लेता हूं फिर आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकता हूं। सेकंड इफ ए बिलोंग्स टू आर मींस ए इज एनी रियल नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर मींस अब स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए आई मीन्स ए आई, या हमें ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस ए आई, स्क्वायर रूट निकालते हैं प्लस और माइनस तो मिले। और थर्ड है कि ए बी इज ए रियल नंबर एंड ए आई इज इक्वल टू बी आई देन ए इज इक्वल टू बी, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आई सेटिस्फाई करता है ओके। फर्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट तो हमें पता ही है जीरो नंबर है, I into 0 is equal to 0. अब 0 हम कहते हैं 0 को बस एक कॉमेडी होता है कि 0 हम कुछ नहीं मानते, बट
मेरे हिसाब से 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर इन मैथमेटिक्स व्हिच इज गिवन बाय इंडिया आर्य। हम जो मानते कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या दिया, 0 दिया, बट 0 इज द मोस्ट पावरफुल नंबर आई थिंक। 0 में पावर क्या है, किसी भी नंबर को ले लीजिए, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, उसका मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ कर दीजिए, क्या मिलता है, 0। ओके, 0 मिलेगा। मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो, उसका 0 के साथ अगर पाला पड़ गया, मतलब सॉरी 0 के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो उसको 0 ही होना है। ठीक है, ये पावर है 0 की। ओके, जो सुपर पॉइंट पर आते हैं, आई इनटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जो इमेजिनरी यूनिट है, अगर हम इसका 0 से प्रोडक्ट कर दें, उसका आंसर 0 ही होगा। ओके, 0 इज अ रियल नंबर। ओके, 0 इज अ रियल नंबर। सेकंड, इफ ए इज ए रियल नंबर, सपोज मान लीजिए कि ए कोई भी एक रियल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। हम आई के बारे में बात कर रहे हैं, आई की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, उसी तरह अगर हम इनका स्क्वायर कर दे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। ओके, आई की वैल्यू होती है रूट माइनस वन, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन। ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ए स्क्वायर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस वन इंटू ए स्क्वायर, जिस तरह मैंने माइनस का डिसेस किया था उसी तरह करो, माइनस वन इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस वन मतलब कौन, आई स्क्वायर, माइनस वन की वैल्यू डाल दिया आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया रूट आई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर ले लिया, आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा आई और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट करके ले लिया, तो आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, प्लस और माइनस आई ए। ओके, और थर्ड है, इफ ए बी इज एनी रियल नंबर एंड ए आई इज इक्वल टू बी आई, देन ए इज इक्वल टू बी। दो इमेजिनरी नंबर अगर इक्वल है, तो उसका मतलब ये है कि उनमें जो रियल पार्ट है ना ए बी, वो दोनों इक्वल हो गए। अगर उनके रियल नंबर्स इक्वल है, तो वो दोनों इमेजिनरी नंबर वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आ गया हमारे लोग इसकी एंट्री हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखिए, द नंबर of the form a plus bi और यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं a plus ib, where a b are any real numbers and i तो always ये रहेगा square root of minus 1 is called a complex number. Is called a complex number. Okay, the number of the form a plus bi or a plus ib, where a and b, जो a और b लिख रहे हैं, the any real numbers and I is always square root of minus 1 is called a complex number.
ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में होते हैं a प्लस बी आई या a प्लस आई बी, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके a प्लस बी आई जिसमें a और b रियल नंबर होंगे, i स्क्वायर रूट माइनस 1 होगा, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, रियल एंड इमेजिनरी कलेक्टिवली आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों की एक साथ बात करते हैं तो क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके देखिए a प्लस बी आई, अब इसमें a ये है हमारा रियल नंबर, इसके आगे कोई आई वगैरह लगा है नहीं, ओके सिर्फ a और a कौन है रियल, ओके मगर ये जो नंबर है ना इसके आगे लग चुका है आई, इसके आगे लग चुका है आई बी आई, ये कौन सा नंबर हो गया इमेजिनरी नंबर। ओके रियल एंड इमेजिनरी कलेक्टिवली इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आई इज डिनोटेड बाय जेड, जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट होता है जेड, हम उससे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, दैट इज जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना उसे हम ऑलवेज जेड से ही डिनोट करते हैं, ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, z is equal to minus 4 minus 2i, z is equal to 5 minus 4i, etc. ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है फिर से एक बार देखते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस bi वेयर a b आर रियल नंबर एंड i इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम z से डिनोट करते हैं, ओके z is equal to a plus bi, जैसे इसके सारे एग्जांपल दिए हैं इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, ओके अब देखते हैं, अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z is equal to a plus bi उसके दो पार्ट होते हैं, ओके हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है इसका ये पार्ट और दूसरा पार्ट ये, ओके जो ए है ना उसे कहते हैं हम रियल पार्ट, ए को क्या कहते हैं रियल पार्ट, और ये जो दूसरा पार्ट होता है हम इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्या कहते हैं उसे इमेजिनरी पार्ट, ओके अब ये रियल पार्ट इसलिए है कि इसके आगे कोई आई वगैरह नहीं लगा है, ए एनी रियल नंबर सो इट्स ऑल रियल पार्ट, ठीक है। और बी बी भी एक रियल नंबर ही है मगर उसके आगे क्या लगा है आई, आई इमेजिनरी यूनिट लगा है उसकी वजह से ये पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जो रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट को हम ऐसे डिनोट करते हैं आर ई ऑफ जेड, R E of Z या R of Z, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है हम इसे ऐसा डिनोट करते हैं I am of Z, ठीक है I am of Z। तो यहां का जो रियल पार्ट हो गया वो रियल पार्ट है A और जो इमेजिनरी पार्ट है वो B, मतलब इसमें I कंसिडर नहीं किया जाता, ये B है तो एक्चुअली रियल नंबर मगर उसे I लगने की वजह से वो हो गया रियल इमेजिनरी, ओके तो यहां जो है वो इमेजिनरी पार्ट है B, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं z is equal to 2 minus 5y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं। अगर आपको पूछा जाए रियल ऑफ z तो रियल ऑफ z मतलब z ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 2, और इमेजिनरी ऑफ z z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट ये माइनस फाइव, ओके तो ये हो रहा है इमेजिनरी एंड रियल पार्ट।
तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, या फिर हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट एक नोट आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट ये है कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच रियल पार्ट इज जीरो इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच रियल पार्ट इज जीरो इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। सच अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म, सच अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म z is equal to 0 plus bi, that is only bi, okay? देखते हैं, तो complex number whose real part is 0 is called purely imaginary number, such a number is of the form z is equal to 0 plus bi, means bi, एक ऐसा complex number जिसका real part 0 है, जिसका रियल पार्ट जीरो, उसे हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, मतलब रियल पार्ट जीरो है तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर रियल जीरो है तो वो पूरी तरह से इमेजिनरी नंबर है, उसमें रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट जीरो है तो वो पूरी तरह से कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, इसीलिए उसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ओके, और उस तरह के जो नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं z is equal to 0 plus bi, देखिए उसका रियल पार्ट 0 है तो 0 plus bi मतलब bi only imaginary part होता है, जैसे कि for example z is equal to 5y, purely imaginary, इसमें कोई रियल है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, इसका रियल पार्ट 0 है। ओके, z is equal to minus 7i या z is equal to minus root 49, ये सारे क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, इसमें रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट है ही नहीं। ओके, सेकंड अब इसका उल्टा ले लेते हैं, इस पॉइंट में रियल पार्ट तो जीरो है, अब हम सेकंड पॉइंट में लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सी एन लिखता हूं, ओके सी एन बूज imaginary part, imaginary part is zero is called, is called purely real number, such a number is of the form is of the form z is equal to a plus 0i, imaginary part 0 bola hai, theek hai, 0i means z is equal to a, okay? कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इमेजिनरी पार्ट इज जीरो इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर, सच अ नंबर इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a + 0, देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ओके तो हो गया a + 0i मींस z इज इक्वल टू a ओनली रियल पार्ट। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसे हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे।
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तीसरी पॉइंट ऐसा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही जीरो है। पहले में हमने लिया था रियल पार्ट जीरो है उसे प्योरली इमेजिनरी कहते हैं, दूसरे में हमने लिया था इमेजिनरी पार्ट जीरो है उसे प्योरली रियल नंबर कहते हैं। अब ऐसा नंबर, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल और इमेजिनरी दोनों ही पार्ट जीरो है उसे हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई मतलब जीरो। ओके, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों भी जीरो है, दोनों ही जीरो है उसे हम क्या कहते हैं जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किस तरह है, देखिए इसका रियल पार्ट भी जीरो है इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है मतलब कुल मिला के हो गया जीरो। जीरो असल में देखा जाए तो रियल नंबर है, मगर हमें क्या पढ़ा है कि रियल नंबर से भी बढ़कर आगे एक सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाएगा कि जीरो तो रियल नंबर है मगर आप उसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे हैं। जेड जीरो ये रियल नंबर है, मैंने उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है उसे इमेजिनरी नंबर नहीं बोला, उसे मैंने क्या कहा है कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है। तो एक पॉइंट यहां से एक निकल के आता है, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, माइनस टू ले लिया ये तो रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो गए, इसके लिए ये सेकंड पॉइंट है। अब माइनस टू है मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है मतलब पूरी तरह से रियल नंबर है, ठीक है उसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है। ओके, आगे चलते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें धीरे धीरे पता चल जाती है। द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने यहां एक लाइन लिखी थी ना उसी का मीनिंग लिख रहा हूं। द सेट आर ऑफ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस ये है सारा मीनिंग है। आर जो हमें अब तक लगता था कि सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, नहीं उसके ऊपर भी कोई कौन है सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट सी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह एक और सबसेट रिलेशन जुड़ जाता है, दैट इज आर इज अ सबसेट ऑफ सी। ओके, मतलब हमें जो सबसेट रिलेशन 9, 11, 9, 10 तक जो पढ़ा था वो सबसेट रिलेशन ये था, नेचुरल n is a subset of w, w is a subset of i, i is a subset of q, q
क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। अब इसके आगे एक और कंडीशन हो गई सी, ठीक है, ये नया आ गया 11, ठीक है। नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं। वन नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं। आई इंटीजर्स, आई इज अ सबसेट ऑफ क्यू, सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। सारे रैशनल रियल नंबर्स होते हैं, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। मगर इसके आगे हमने पढ़ा ही नहीं, अब इसके आगे पढ़ रहे हैं। आर इज अ सबसेट ऑफ सी, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल सकते हैं, ओके। और लास्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। द रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। रियल और इमेजिनरी पार्ट कभी कंबाइन नहीं हो सकते, सिंपल बात है। रियल और इमेजिनरी नंबर ये इनको हम एक सिंगल टर्म बनाने के लिए कभी कंबाइन कर ही नहीं सकते, मतलब दोनों कभी कंबाइन हो ही नहीं सकते, उनसे एक सिंगल टर्म कभी बन ही नहीं सकते, ओके। अगर सिंगल टर्म के बारे में अगर बात की जाए तो या तो वो प्योर इमेजिनरी होगी या वो प्योर रियल होगी, मगर एक साथ रियल और इमेजिनरी दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। जनरल लाइफ में देख लीजिए, रियल लाइफ में जो बातें हम रियल में कर रहे हैं, इमेजिनरी बातों को अगर हम उसमें मिक्स कर दें तो लोग हमें पागल समझते हैं, यार बिल्कुल बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये सारी इमेजिनरी बात है, इसका रियल से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो हमें बता रहे हैं कि जो रियल में है उसमें हम इमेजिनरी बातें डाल नहीं सकते, ओके। और जो इमेजिनरी है तो वो इमेजिनरी है, ठीक है, पैसा बता, ठीक है। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। मेरा चैनल है निखिल एम चंदनी, मैं गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। ये वरुण गांव में है गुरुकुल कोचिंग क्लासेस, जिसमें मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं, सिंस 2015 मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो मैं लास्ट में दे रहा, एक्चुअली मैंने स्टार्ट में देना चाहिए था, मगर मेरे कुछ पिछली वीडियोस भी है, मैंने पिछले साल ही यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया था जिसमें मुझे अच्छे खासे व्यूज भी आए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी मिले, ओके। उसमें मगर केवल 10th और 12th की वीडियोस थे, अब से आज से हमने 11th का नया सेशन स्टार्ट किया है और इससे आगे भी 11th की वीडियोस कंटिन्यू आते रहेंगे। सो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और प्लीज वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।